हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गैराज के। तो आज अपने पास बजाज डिस्कवर गाड़ी आई है। तो इसका जो साइड का जो फुट रेस्ट होता है, मतलब जहाँ पे साइड स्टैंड अटैच होता है, तो वो टूट चुका है। तो अभी हम इसको अच्छे से वेल्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से वो पार्ट को अच्छे से अटैच करेंगे और फिर उसको मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं वो आप आगे देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को मजबूती से, मतलब दो तीन लेयर कैसे मारना है, तो पहले हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम जब करते हैं तो वो एक पीछे कार्बन का उसका ये छोड़ देता है, मतलब कार्बन एक पार्टिकल छोड़ता है। तो उसके हम तोड़ तोड़ के हमें कार्बन निकालना रहता है, फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ऐसा वेल्डिंग का करना है जिससे एकदम मजबूती रहे वेल्डिंग में हमारे, और वो पार्ट बिल्कुल हिले ना, मतलब एकदम फिक्स हो जाए, जैसे कंपनी से बन के आता है ना वैसे बना रहे, उससे भी ज़्यादा मजबूत बना रहे। इसके लिए हमने ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे वेल्डिंग करना है। तो अभी आप देख सकते हो ऊपर से हमने अच्छे से दो तीन लेयर अच्छे से वेल्डिंग कर लिया है, और अभी भी हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। नीचे भी पूरा वेल्डिंग करना बाकी है। उसके बाद और मजबूती देने के लिए ये आप प्लेट देख सकते हो, ये प्लेट यहाँ पे रख के हम वेल्डिंग करने वाले, जिससे वो जो पार्ट है वो जैसे से भी अच्छे से जुड़ा रहे। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना मजबूत काम हो रहा है। कभी कस्टमर को आगे से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पहले वाले जूनी फैशन है, पहले जूनी फैशन है। तो अभी आप देख सकते हो जो अपना ऊपर का पार्ट था वो अच्छे से वेल्डिंग करके कंप्लीट हो चुका है। अभी नीचे से भी उसको अच्छे से वेल्डिंग कर लेंगे हम, जिससे मीन्स वो पार्ट एकदम और फिक्स हो। तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छे से काम हो रहा है, और कस्टमर को, हर कस्टमर को हमें ऐसा ही काम करके देना है जिससे आगे उन्हें कभी दिक्कत ना आए। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे हम वेल्डिंग यहाँ पे मार देंगे तो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो दो छोटे टुकड़े हमने प्लेट के कट कर दिए यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए और मजबूती देने के लिए। तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट वेल्डिंग करेंगे और यहाँ पे भी वेल्डिंग करेंगे जिससे वो सपोर्ट बना रहे। आप देख सकते हो जो प्लेट गिर गया है वही प्लेट अभी हम दोनों साइड लगा रहे और वहाँ पर हम अच्छे से वेल्डिंग भर देंगे। Oh,
कहाँ है? तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा काम अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वेल्डिंग हमारी बहुत अच्छे से लग चुकी है और पार्ट आप देख सकते हो कितने मजबूती से मतलब कंप्लीट हो चुका है एकदम परफेक्ट। अभी हम आपको जो स्टैंड पे है ना गाड़ी लगा कर दिखाते हैं। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑटोमोबाइल गैराज को। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मीन्स इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट स्टैंड पे गाड़ी खड़ा है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।